प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला आ रहे हैं। ऐसे में शिमला में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। शिमला नागरिक सभा प्रधानमंत्री की शिमला की प्रस्तावित यात्रा का स्वागत करती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जन भावनाओं व इस रैली में जनता को होने वाली असुविधा व रिज मैदान व टैंक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रैली के स्थान को रिज मैदान से बदलकर अनाडेल मैदान में किया जाना चाहिए। यह बात संयोजक शिमला नागरिक सभा व नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने मीडिया को जारी अपने बयान में कही। शिमला नागरिक सभा माननीय प्रधानमंत्री की शिमला की प्रस्तावित यात्रा में उनका स्वागत करती है तथा आशा करती है कि माननीय प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान प्रदेश व शिमला शहर के लिए जो है विकास परियोजनाओं को लेकर जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी तथा पूर्व यात्राओं में जो घोषणाएं की है उनको जो है जमीनी स्तर पर लागू करवाएगी। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा इस यात्रा के दौरान एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए नागरिक सभा सरकार व प्रधानमंत्री कार्यालय से आग्रह करती है कि जो इस रैली के लिए चयन स्थान जो रिज मैदान है उसकी सामरिक दृष्टि से देखते हुए और इसके ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हुए और जन असुविधा को देखते हुए इस स्थान को बदलकर जो है वो अनाडेल ग्राउंड में जो है वो रैली जो है वो की जाए ताकि जनता को जो है वो कम से कम असुविधा हो और इस रिज की सुरक्षा के लिए भी जो है वो खतरा पैदा न हो। 31 मई 2022 को होने वाली इस रैली के लिए मात्र जो है एक सप्ताह अभी बाकी बचा है। शिमला शहर में सरकार के द्वारा इस रैली को लेकर जो तैयारियां की जा रही है उसके चलते जो है शिमला शहर की जनता को जो है काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आज शहर में जहां से 10 से 15 मिनट जिस सफर को तय करने में लगता है वहां पर 2 घंटे तक जो है वो ट्रैफिक जाम की वजह से जो है ये सफर तय हो रहा है और इसके चलते खास तौर पे जो शिमला शहर में आम जन है, स्कूल के बच्चे हैं, कर्मचारी है और जो रोजमर्रा काम पर जाते हैं उनको जो है बहुत असुविधा हो रही है। इसके साथ साथ यदि हम देखें शिमला शहर में जो है पेयजल का गंभीर संकट चल रहा है और सरकार व नगर निगम इस रैली की तैयारी को लेकर जो है वो पानी जो है इस्तेमाल पीने का उसको जो है रिज मैदान व माल रोड को धोने के लिए कर रही है। एक तरफ नगर निगम जो है सरकार वो पानी जो है तीसरे दिन का निर्णय ले रही है और कई स्थानों पर 4 से 6 दिन के बाद जो है पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यदि हम देखें जो रिज मैदान है इसका ऐतिहासिक महत्व है और इसके नीचे जो है 100 वर्ष पूर्व जो पानी का टैंक बना है उससे जो है शहर के 40% से अधिक हिस्से को जो है वो पेयजल की आपूर्ति होती है और वर्ष 2016 में पूर्व नगर निगम के द्वारा इसमें जब दरारें देखी गई थी तो इसकी मरम्मत के लिए जो है उचित योजना बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।